हेलो गाइस, मैं न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। गाइस कल क्या हुआ, कल मैं लैपटॉप अपना रात को 2 घंटे यूज किया हूँ। 2 घंटे यूज करने के बाद 35% पे मेरा लैपटॉप था, फुल चार्ज करने में 2 घंटे यूज करने 35% पे लैपटॉप मेरा था। तो मैंने गाइस उसको बंद करके थक गया, रात को सो गया। फिर सुबह उठा गाइस, सुबह फिर मैं 10 बजे अपना लैपटॉप फिर ओपन किया। और फिर क्या हुआ कि 10 मिनट यूज करने पर लैपटॉप गाइस वो डायरेक्ट आ गया 6% पे मेरा बैटरी, करीब 30 के नीचे परसेंटेज था। तो 26 से 6 पे आ गया बैटरी बैकअप। तो उसके बाद क्या हुआ, वो 3% पे आने पर शट डाउन हो गया। फिर मैंने क्या किया, फिर उसको जीरो करने के लिए मैंने फिर रिस्टार्ट किया अपने लैपटॉप को। रिस्टार्ट करने के बाद गाइस उसको फिर से मैंने चलाया, फिर 0% पे गाइस 0% पे आधे घंटे करीब लैपटॉप ना चला है। आज सुबह 10 बजे से 10 बजे तक मैंने यूज़ किया लैपटॉप, करीब आधे घंटे की प्लस ही मेरा लैपटॉप 0% पे चलाएगा। इसलिए मैं सो गया था दोपहर में, तो वाइल फ्लाइमिंग डाल के, तो भी जब उठा सुबह तो मतलब उठा जब शाम को, तो क्या हुआ, देखा आधे का फ़ोन आया था। वो कल शाम को भी फ़ोन किया था, तो आज भी फ़ोन किया। वो एक लैपटॉप लेगा सेकेंड में, उसका भी HP राइजन का 5 वाला Ryzen 5 है। तो वो बहुत अच्छा लैपटॉप है, 8 GB रैम, 512 GB SSD है। तो वो 6 मंथ यूज हुआ उसके फ्रेंड का है। वो बोला भैया आप एक बार चेक कर लीजिए, तो उसके बाद लें। तो फ़ोन किया था, तो अभी जाएंगे गाइस उसके घर, वो चेक करेंगे, तो आपको भी दिखाएंगे वो लैपटॉप। 6 मंथ का यूज हुआ है, 6 मंथ अभी वारंटी में होगा, 1 साल का वारंटी होगा। तो जा रहे हैं गाइस उसका चेक करने, चेक करके आपको भी दिखाते हैं लैपटॉप उसका कैसा है। देखिए आधे अंक लैपटॉप ये है, देख सकते हैं आप। देखिए ये Ryzen 5 Series 5 है, बढ़िया प्रोसेसर है इसका और हेक्सा प्रोसेसर है। अगर गाइस इसको बता दिए, आप गेमिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, गेमिंग इसमें बहुत अच्छा होता है। गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए अगर आप गेम यूज करते हैं, PUBG खेलते हैं, तो आप ले सकते हैं ये लैपटॉप, बढ़िया से खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर भाई तो पढ़ाई करेगा, ये पढ़ने के लिए ये है गाइस, और हम लोग पढ़ेंगे। तो गाइस मैं दोपहर में आया था आदम के घर, तो उसका लैपटॉप से तब सब चेक कर लिया, ठीक था लैपटॉप, अच्छा है। 6 मंथ यूज हुआ है, 25,000 में इसको मिला है। 6 मंथ यूज हुआ है, वो HP का Ryzen 5, वो अच्छा है लैपटॉप, बहुत बेस्ट कंडीशन में है। तो इसको बोल दिए ले लिया है, उसका बैटरी बैकअप 4 से 5 घंटा है। अभी फिर शाम को आए हैं तो पार्टी दे रहा है यार। हाँ, आज पनीर सब्जी बनी है घर में, तो मुझे भैया को बुला लें, और भैया आज आए हमारे घर पे, हमको बहुत खुशी मिल रही है कि भैया हमारे घर पे आए भोजन करने के लिए। तो गाइस आर्यन भाई भी ब्लॉग बनाता है, ये बनाता नहीं मतलब अभी भाइयों को टिप देता है बनाने के लिए। हाँ, तो जैसा कि हमारे भाई भी बुआ के लड़के हैं, बनाते हैं ब्लॉग, और यूनिक ब्लॉगर नाम से मेरा चैनल है। तो गाइस मैं इसके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, ठीक है, तो आप लोग वहां जाके विजिट करिएगा चैनल पे, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे लैपटॉप के बारे में भी, बात कर रहे थे और वीडियो के बारे में भी बात कर रहे थे। बोले कि इससे कि तुम भी ब्लॉग बनाओ, तो बोला कि भैया नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, क्योंकि गाइस हमको पढ़ना लिखना रहता है, अभी 11th क्लास में, अगले साल मेरा 12th क्लास है, इसीलिए हम लोग ब्लॉग व्लॉग बना नहीं रहे हैं। मेरे बुआ के लड़के बनाते हैं, तो सपोर्ट करिए। डिस्क्रिप्शन गाइस लिंक डाल देंगे, आप लोग वहाँ से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो, बताइएगा कमेंट करके कौन सा बेस्ट लग रहा है मेरा वाला। भैया के भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, शेयर कमेंट लाइक सब करिए गाइस।
क्योंकि भैया हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप लोग जब सपोर्ट करेंगे तो हम लोग को अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि आगे भी हम लोग वीडियो को कंटिन्यू बनाते रहें। इसीलिए मेरे भैया को सपोर्ट करिए आप लोग, हमारे भैया बहुत अच्छे हैं और आप इनके अब हमेशा सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।